वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, इसकी एक्सरसाइज नंबर 12 आज हम करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। चांद एंड कंपनी लिमिटेड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन 31 दिसंबर 2010 25,000 शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ कंपनी एट 31 दिसंबर 2010। स्टॉक 50,000, सेल 4,25,000। ये बच्चों स्टॉक के साथ कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। उसके बाद सेल, ये आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। और उसके बाद बच्चों परचेजेज, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा बच्चों, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे, इंश्योरेंस ये हमारा एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। और इसके ऊपर बच्चों जो डेट दी हुई है, ये इसमें बस नया पॉइंट है, ये डेट वाला 30 अप टू 30 जून 2011। तो बच्चों इसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, इंश्योरेंस रेंट अक्सर इन दो चीज़ों के साथ वो डेट देगा, इंश्योरेंस रेंट या इसके अलावा और भी एक्सपेंसिस के साथ दे सकता है। तो बच्चों मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, अगर उसने आपको एक्सपेंस के साथ कोई डेट दी हो तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट होगी और ये हमारा प्रीपेड होगा। क्लियर? एक्सपेंस के साथ अगर उसने आपको डेट दी हो तो ये हमारा क्या होगा? प्रीपेड होगा। इसकी हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट है जो आज हमने समझना है, बाकी तो सिंपल ही है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस, अच्छा बच्चों ये रेंट के आगे जनरल एक्सपेंस गलती से लिखा हुआ है, जनरल एक्सपेंस नीचे लिखना था, वो ऊपर दो दफ़ा लिख दिया, तो वो असल में रेंट की अमाउंट है 6,000। उसके बाद है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, पोस्टेज टेलीफोन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस लिखा जाएगा। डेटर्स हमारा करंट एसेट है, क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, कैश एट बैंक करंट एसेट है, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लिखा जाएगा बच्चों। लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर ये हमारी करंट लाइबिलिटी में लिखा जाएगा, उसको आपने याद रखना है, ये भी नया पॉइंट है। बैड डेट्स आपको पता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और इसके अंदर न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन अगर हो तो वो प्लस कर देनी है। उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट्स के अंदर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में और एक दफ़ा करंट एसेट्स में। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये हम सारी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन आपने लेनी है प्लांट एंड मशीनरी पे 15% और फर्नीचर पर 10%। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बच्चों आपके पास वेजेस 5,200, सैलरीज 1,200, रेंट 600, ये सारे आउटस्टैंडिंग है बच्चों। ये ऊपर आउटस्टैंडिंग की हेडिंग दी है, तो ये आपने सारे प्लस कर देनी है वेजेस में, सैलरीज में और रेंट में। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बैलेंस शीट में, ये सारी चीज़ें करंट लाइबिलिटी में चली जाएंगी। क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए बच्चों क्या रूल इसमें हमने पढ़ा था, इसको आपने आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देना है, और अगर एक्सपेंस है तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी में जाएगा। उसके बाद राइट ऑफ 3,000 एज फर्दर बैड डेट्स, ये न्यू बैड डेट्स हैं। और एंड प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, ये न्यू प्रोविजन है, इसका फॉर्मूला लगा के आपने कैलकुलेशन करनी है। ये दोनों आपके पास न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन है, ये ओल्ड बैड डेट्स में प्लस हो जाएंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे तो डेटर्स में से माइनस कर देंगे। उसके अलावा क्रेडिट सेल अमाउंटिंग टू 6,000 वर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अनरिकॉर्डेड सेल पहले भी शायद क्वेश्चन में आ चुका हुआ, इसे आपने एक दफ़ा सेल में प्लस करना और एक दफ़ा डेटर्स में प्लस करना है। इसके अलावा डिविडेंड आपने 5% लेना है, अनपेड अप शेयर कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। तो बच्चों मुझे लगता है ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई भी इसमें जो है वो न्यू एडजस्टमेंट है नहीं है, सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो मैंने अभी आपको इंश्योरेंस के साथ बताया, जो वो डेट वाला पॉइंट था वही एक नया पॉइंट है। उसने कहा हुआ प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 एंड ऑल्सो बैलेंस शीट। तो ये बच्चों आपके पास ट्रेडिंग का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, परचेजेस और उसके बाद वेजेस था, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग हमने प्लस किया। उसके बाद दूसरी साइड पे सेल आ जाएगा और इसमें अनरिकॉर्डेड सेल हमने प्लस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दिया हुआ था। टोटल करें बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसमें से आपने डेबिट साइड का जो टोटल आएगा वो माइनस किया, तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र किया, इसमें डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ था, ये हमारी इनकम थी, और दूसरी साइड पे डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा 4,200। इंश्योरेंस जी बच्चों इसके साथ डेट दी हुई थी, इसको हमने इनर कॉलम में लिखा, अभी हमने इसमें से प्रीपेड निकालना है। तो ये क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें ज़रा ऊपर हेडिंग में, फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2010, हम ये क्वेश्चन कौन सी डेट को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, 31 दिसंबर 2010, जबकि इंश्योरेंस देखें बच्चों उसने कब तक पे की हुई, उसने लिखा हुआ अप टू 30 जून 2011।
31 दिसंबर 2010 को हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि हमने इंश्योरेंस पे की हुई है अगले साल के 30 जून तक। तो ये ज़रा आपने कैलकुलेट करके बताना है कि कितने महीने अगले साल के हमने एडवांस में पेमेंट की हुई है। तो 31 दिसंबर के बाद से हमने स्टार्टिंग करना है। 31 दिसंबर गुजर चुका है, उसके बाद बच्चों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून 30 है इसलिए जून भी बीच में शामिल करेंगे। तो 31 दिसंबर से आगे बच्चों जनवरी से 30 जून तक 6 महीने बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने जो इंश्योरेंस की अमाउंट पे की है वो आपने अगले साल के 6 महीने की जो इंश्योरेंस है वो आपने इस साल में पे कर दी है। तो सिंपली याद रखें बच्चों, जब भी इंश्योरेंस या रेंट के साथ इस तरह से डेट आ जाए तो आपने उसके मंथ्स काउंट करने हैं और वो हमारा प्रीपेड होगा। जब भी डेट दी हो तो आप याद रखें वो हमारा क्या होगा, प्रीपेड। इसके साथ प्रीपेड लिखा नहीं है ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी इंश्योरेंस या रेंट के साथ डेट दी हो तो वो आपका प्रीपेड होगा, और प्रीपेड को हम माइनस करते थे एक्सपेंस में से और एक दफ़ा करंट एसेट में से, करंट एसेट में लिखते थे। तो अब इसके अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपने ज़रा ध्यान से देखना है। देखिए इसकी टोटल अमाउंट कितनी है, 6720। ये ज़रा पॉइंट देखें, ये इसकी वर्किंग की है मैंने थोड़ी सी। 31 दिसंबर से लेकर 30 जून तक 6 महीने बन रहे हैं, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे निकलेगा। देखिए जी 6720, 6 महीने का आपने एडवांस पे किया तो ये 6 ऊपर आ जाएगा और नीचे 12, साल में 12 महीने होते हैं। तो बच्चों नीचे जब डिवाइड करेंगे तो नीचे हमेशा 12 ही लिखेंगे, लेकिन ऊपर जहाँ पे हमने 6 लिखा हुआ है ये चेंज हो सकता है। ये डेट के ऊपर डिपेंड करता है, 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 10 महीने, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे 12 ही रहेगा। और अमाउंट उसने आपको जो क्वेश्चन में दी होगी वो आपने लेनी है। तो ये बच्चों आपने 6720 को 6/12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3360 आ जाएगा। ये आपका आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे प्रीपेड का वर्ड नहीं था लिखा हुआ, तो ये हमें डेट से पता चला। तो याद रखिएगा, कोई भी एक्सपेंस आ जाए जिसके साथ उसने आपको डेट दी हो वो एडजस्टमेंट होगी और उसका हमने प्रीपेड निकालना है। इसी तरह से आप प्रीपेड को जाके एक्सपेंस में से माइनस करेंगे, तो ये हमने इसको अब यहाँ से माइनस कर देना है प्रीपेड को। तो ये माइनस करके बाकी जो आ रहा है वो भी सेम ही आ रहा है 3360। और इसका बच्चों प्रीपेड का दूसरा फैक्ट कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में, करंट एसेट में। तो इस पूरे क्वेश्चन में यही एक नई एडजस्टमेंट थी, बाकी सारा सिंपल सवाल है बच्चों। सैलरीज इसमें आउटस्टैंडिंग हमने प्लस किया, और उसके बाद रेंट इसका भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था ये हमने प्लस कर दिया। उसके बाद बच्चों जनरल एक्सपेंस दिए हुए थे हमें, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा पोस्ट एजेंट, टैली फ़ोन था, और इसके अलावा बच्चों बैड डेट्स से एडजस्टमेंट के अंदर उसने हमें न्यू बैड डेट्स बताए हुए थे। ये देखें जी एडजस्टमेंट नंबर 5 में राइट ऑफ 3000 फर्दर बैड डेट्स, ये हमारे न्यू बैड डेट्स हैं। और इसी के आगे उसने कहा हुआ है 5% आपने जो है वो डाउटफुल डेट्स के लिए लेना है। तो इसके लिए बच्चों हमें फार्मूला लगा के ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये आपने पहले भी किया था, डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डेटर की वैल्यू बच्चों उसने आपको गिवन की थी 38,700, अनरिकॉर्डेड सेल भी था इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के अंदर 6,000, न्यू बैड डेट 3,000, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं दिया हुआ, वो जीरो आ जाएगा। ये हमने सारा सॉल्व किया तो 2,085 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे आके हमने ये न्यू बैड डेट 3,000 थे और न्यू प्रोविजन जो है ये तीनों चीज़ों को प्लस करके यहाँ पे लिखना है, और इसमें आपको मैंने बताया था ओल्ड प्रोविजन होगी तो उसे आपने क्रेडिट साइड पे लिखना, लेकिन वो इस क्वेश्चन में नहीं थी। तो इसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन उसने बताया था आपने प्लांट एंड मशीनरी पे 15% और फर्नीचर पे 10% लेनी है। तो ये हमने कैलकुलेशन की बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 80,500, इस पे 15% ली, और फर्नीचर पे हमने बच्चों 10% लेनी है। ये डेप्रिसिएशन ये भी हमारे एक्सपेंस में आ जाएंगे अब, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए हैं बच्चों। दोनों साइड का टोटल किया तो बच्चों क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने उसे दोनों साइड पे लिखा। और इसमें से बच्चों आपने डेबिट साइड का टोटल शुरू से लेके बच्चों पिछले पेज से लेके यहाँ तक आपने प्लस करना है सबको, और उसको आपने इस टोटल में से माइनस करना है। तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 27,380 जी बच्चों। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, इसमें लास्ट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, उसके बाद बच्चों करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा, और इसके अलावा ये डिविडेंड उसने कहा था 5% जी बच्चों। मैंने आपको बताया था डिविडेंड जब परसेंटेज में दिया हो तो हमेशा आपने शेयर कैपिटल पे ही लेना, तो शेयर कैपिटल था 25,000 शेयर बच्चों उसने इशू किए थे, और एक शेयर 10 रुपये का था, तो मल्टीप्लाई किया तो 2,50,000 उसकी अमाउंट आ जाएगी। और बच्चों याद रखिएगा ये हमने अमाउंट पर लेना है, हमने शेयर्स पर नहीं लेना डिविडेंड, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 12,500, और इसके बाद बच्चों ये आपके पास टोटल किया तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, उसमें से ये माइनस करके बैलेंस आ जाएगा 21,100।
उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों। बैलेंस शीट के अंदर ऑथोराइज कैपिटल 50,000 शेयर बताए थे बच्चों, मल्टीप्लाई किया 5,00,000 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये उसने आपको टेबल के अंदर नहीं था दिया, बल्कि क्वेश्चन के स्टार्ट में जहाँ पे ऑथोराइज बताया था उसके साथ ही उसने मैंशन किया था। तो 25,000 शेयर थे उसको 10 रुपये से मल्टीप्लाई किया, 2,50,000 आ जाएगा। उसके बाद रिजर्व ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस आया था बच्चों आपका, और इसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ था 25,000। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बच्चों इसमें कोई नहीं है, करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी, इसमें क्रेडिटर्स आ जाएगा। प्रपोज डिविडेंड जो अभी हमने बच्चों कैलकुलेट किया 12,500। इसके अलावा लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, ये याद रखिएगा, इसे भी आपने करंट लाइबिलिटी में ही लिख लेना है। इसके अलावा बच्चों जो आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, आउटस्टैंडिंग वेजेस था, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ था, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। और दूसरी साइड पे फिक्स्ड एसेट्स में आपने बच्चों प्लांट एंड मशीनरी और उसकी डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर देनी है, इसी तरह से फर्नीचर था और इसकी डेप्रिसिएशन भी आपने माइनस कर देनी है। करंट एसेट के अंदर बच्चों कैश एट बैंक आ जाएगा। डेटर्स में से आपने बच्चों सबसे पहले तो अनरिकॉर्डेड सेल प्लस कर लें, और इसके बाद न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन जो आपने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट की है वो दोनों आपने माइनस कर देनी है। ये सारा प्लस माइनस करके ये आपके पास 39,615 आ जाएगा। और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था बच्चों 1,00,000, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने खुद कैलकुलेट किया है तो वो भी बच्चों आपका करंट एसेट में आएगा। अब दोनों साइड का टोटल करें बच्चों, आपके पास दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है हमारे पास बच्चों दोनों साइड का। तो इस पूरे क्वेश्चन में बच्चों जो प्रीपेड इंश्योरेंस वाला पॉइंट था वो आपने ज़रा अच्छी तरह से ध्यान से करना है, बाकी सारा सिंपल है। तो याद रखिएगा कोई भी एक्सपेंस आ जाए उसके साथ अगर डेट दी होगी तो बच्चों आपने उसका क्या निकालना है, प्रीपेड निकालना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।